हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि हमने कल लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था नरेशन, उसी के बारे में पूरी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, और ये एग्जांपल सभी मैच किए हुए हैं, मतलब पूरे टेंस से मिला करके। जैसे इसमें आपको फ्यूचर टेंस भी मिलेगा, प्रेजेंट टेंस भी मिलेगा, और पास्ट टेंस भी मिलेगा। आपको एक चीज़ याद रखना है, जो रिपोर्टिंग स्पीच होते हैं, मीन्स कॉमा से जो पहले वाले वर्ड होते हैं, मीन्स सेंटेंस होते हैं, ये पूरे आपको पास्ट इंडेफिनिट के ही अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन जो आरईडी मैंने बताया था, रिपोर्टेड स्पीच, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट टेंस हो सकता है, पास्ट टेंस हो सकता है, और फ्यूचर टेंस भी हो सकता है। तो चलिए इसको एक एक करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमको किस तरह से नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जो पहला एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, आई हैव बीन सिक सिंस लास्ट डे। अब यहाँ पर देखिए, ही सैड टू मी, अब ही सैड टू मी को अगर आपको बनाना है तो आप बोलेंगे ही सैड टू को आपने तोड़ा टोल्ड में, मी को मी ही बोला, कॉमा हटाने के लिए आपने दैट यूज किया, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब इसके बाद से सब्जेक्ट चेंज की बात आ गई, यहाँ पर आई है, और मैंने बताया था कि जो आई और वी होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और आई और वी के जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे आई का माई हो गया, मी हो गया, माई सेल्फ हो गया, माइन हो गया, या फिर वी का आवर हो गया, आवर सेल्फ्स हो गया, या फिर अस हो गया, ये पूरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और यहाँ देखिए, जब ये आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आर आई एन जी का सब्जेक्ट क्या है, ही है। आई किस फॉर्म में है, अपने मेन फॉर्म में है, ही भी अपने मेन फॉर्म में है, तो आई के जगह पे यहाँ पास क्या लगेगा, ही के बाद देखिए, अब टेंस की बात हो रही है, यहाँ पास पहला जो आर आई एन जी है वो पास्ट टेंस का है, और जो आर ई डी है, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच जो है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, जो नाउन फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पास सिंस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको हैव का पास्ट फॉर्म क्या लगाना हैड, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट का है, तो आपको इसको पास्ट में लेके जाना है। बीन का आपको बीन ही लिखना है, फिर सिक को सिक ही लिखना है, और सिंस को सिंस, और लास्ट डे को लास्ट डे। एक और एग्जांपल देखिए, वो भी दे सैड, अब दे सैड को आपको क्या लिखना होगा, दे सैड। अब यहाँ पास हमने सैड ही क्यों लिखा, मैंने क्या बताया था, सैड के साथ जब टू होगा तभी जब करके आपको टोड लगाना है, अगर सैड ही सिर्फ है तो आपको सैड को सैड ही लिखना है। कॉमा हटाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, दैट। अब दैट के बाद आपको फिर से सब्जेक्ट पे आ जाना है, सब्जेक्ट क्या है आपका, वी, और मैंने अभी कुछ टाइम पहले क्या बताया, वी भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका क्या है, देखिए दे है, और दे आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में है, वी भी आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो आपको वी के जगह पे अब क्या लगाना होगा, दे। अब दे के साथ देखिए, ये किस टेंस में है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो क्या बनेगा, दे हैड बीन प्लेइंग। अब दिस को हमको दैट में बदलना होगा, मैं बताऊंगा ये क्यों हो रहा है, ये चेंजेबल वर्ड में आते हैं, इसलिए इसको हम दिस को दैट में बदल रहे हैं, और गेम को गेम ही लिख रहे हैं। अब इसके बाद से बात करते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल की, आई सैड टू हर, आई को आई, सैड टू फिर आया, आपको फिर क्या लगाना है, टोल्ड, किसे, हर, कॉमा हटाने के लिए दैट। अब यू आ गया, अब यू आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होता था, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपका ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू किस फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, हर किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, अब हर किससे बना है, सी से बना है, तो यहाँ पास आपको सब्जेक्ट क्या लिखना होगा, सी। सी के बाद देखिए टेंस में आ गया, यहाँ पास डिड नॉट नो आया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, सी हैड नॉट नो किस में जाएगा, नोन में। अब मी फिर से आ गया, मी किसका फॉर्म है, आई का फॉर्म, और आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, आई ही है, तो यहाँ पास आपको क्या लिखना होगा, मी का मी ही, फुल स्टॉप, क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए, फोर्थ नंबर, चिल्ड्रेन सैड टू टीचर, चिल्ड्रेन को आपने क्या लिखा, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के बाद सैड टू आया, टोल्ड, किससे, टीचर से,
कॉमा हटाने के लिए दैट, फिर से क्या आ गया यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता था, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर। अब ये टीचर कंफर्म नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, अगर हम मेल मान रहे हैं तो यहाँ पास यू का फॉर्म जो मेन फॉर्म में है टीचर का मेन फॉर्म ही, अगर लड़की हम मान रहे हैं तो सी। फिर इसके बाद से देखिए टॉट, टॉट का मतलब क्या है, पढ़ाया, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, परफेक्ट टेंस में, मतलब पास्ट के परफेक्ट में। तो यहाँ पास क्या लगेगा हैड, हैड के बाद टॉट का, टॉट किसे, यहाँ पास फिर से एक सब्जेक्ट चेंज करना है, अस किसका फॉर्म है, वी का फॉर्म है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वी का फॉर्म है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यहाँ पास क्या है, चिल्ड्रेन है, एक है कि बहुत है, बहुत से हैं, तो ये किस में चला जाएगा दे, और दे किस में जाएगा देम में। बात क्लियर हो रही है, और उसके बाद से क्या होगा हिस्ट्री, डन है। थोड़ा बहुत आपको याद रखना है जो भी मैंने प्रोनाउन बताया था, प्रोनाउन में जैसे आई वी को बताया था जितने भी फॉर्म होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, किसके, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यू जितना भी फॉर्म है जिसका, मतलब पोजेसिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, रिफ्लेक्सिव फॉर्म, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और बाकी इन तीनों के अलावा, आई और वी और यू के अलावा जो भी हैं वो नो चेंज में होंगे, मतलब जो होगा वही लिख देना है एग्जैक्ट। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, सी सैड टू देम, सी मीन्स सी, सैड मीन्स सैड, टू मीन्स टोल्ड, देम मीन्स देम, कॉमा हटाने के लिए दैट। फिर क्या आ गया आई, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है सी, आपने क्या लिख दिया सी। अब विल आपका लिखा, अब यहाँ पास आ गया फ्यूचर टेंस, अभी तक तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आ रहा था, अब आ गया फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है अगर विल आएगा तो विल का पास्ट फॉर्म वुड लिख देना आपको, अगर सेल आया तो सेल का पास्ट फॉर्म आपको शुड लिख देना है। तो यहाँ पास विल आया है तो सी वुड, अब हेल्प का हेल्प, अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है देम है, और देम भी ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखा जाएगा देम, फुल स्टॉप, कंप्लीट बना, सी टोल्ड देम दैट सी वुड हेल्प देम। बात क्लियर, इस तरीके से आपको पूरा नरेशन समझना होगा। अभी ये मैं सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा हूँ, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बाद से जो भी आपका नरेशन सिखाएंगे हम वो आपका इंटेरोगेटिव में होगा, फिर डब्ल्यू एच में होगा जिसको डबल इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, फिर इंपरेटिव, फिर एक्सक्लामेटरी। अब बात आती है मेन कि जो हमारे ये वाले वर्ड चेंज हो रहे हैं, मतलब ये चेंज हुआ तो दैट बन गया, ये ऐसा क्यों हुआ, चलिए मैं उस उन सभी वर्ड्स को आपके सामने स्क्रीन पर रख देता हूँ, उसको आप कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज उसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारे चेंजेबल वर्ड हैं जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं, जैसे कम को हम गो में चेंज करते हैं, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, हियर को देयर में, दस को सो में, हेंस को देंस में, दिस को दैट में, और दीज को दोज में। उसी तरीके से डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट में इन शब्दों को भी चेंज करते हैं, जैसे टुमारो को दैट द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ में, और लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर में, और नेक्स्ट वीक को द अपकमिंग वीक में, और नेक्स्ट ईयर को द अपकमिंग ईयर में। बात क्लियर हो गई, ये हमारे कुछ चेंजेबल वर्ड हैं। अब इसके बाद से मैं बता देता हूँ कि जो टेंस हमारा बदल रहा है वो कैसे बदल रहा है, उसकी भी मैं लिस्ट बना करके रखा हूँ, उसको भी मैं स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ, और उसको भी आप कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।